हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट इंडस क्लब। शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के साथ में। 19.97 यानी 20 के नीचे सेटल होता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाना चाहिए। इंडिया विक्स के अंदर में किसी भी तरह का कूल डाउन जो होता है वो मार्केट में पैनिक सिचुएशन को कम करता हुआ नजर आता है, जिसके चलते हुए जो सडन मूव या वोलाटिलिटी की हम बात करें वो वोलाटाइलाइजेशन कम होगा, ऐसा अंदेशा लगाया जाता है। सो 20 के आसपास में काम करना अ न्यू नॉर्मल है। पहले 10 और 15 के बीच में काम करता था, अब 20 और 24 के बीच में काम कर रहा है। सो 20 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव, एंड 24 के ऊपर जाता है तो वोलाटिलिटी बढ़ते हुए नजर आती है और मार्केट गिरता हुआ नजर आता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है और वो देखने को भी हमें मिला हुआ है। 14,864 के आसपास काम करता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है, जो कि 173 पॉइंट अप है, और जबकि बैंक निफ्टी 33,900 पे काम कर रहा है, जो कि 596 लगभग 600 पॉइंट अप मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। अगर बात करें दोनों के फ्यूचर के बारे में तो यस, दोनों के फ्यूचर भी प्रीमियम के अंदर में काम करते हैं और ठीक ठाक प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो फ्राइडे का जो मूड माहौल था पॉजिटिव था, थर्सडे का जो मूड माहौल था पॉजिटिव था, एक्सपायरी का दिन था तो जो शॉर्ट्स बने थे वो शॉर्ट्स भी कवर होते हुए नजर आए हुए हैं। लेकिन क्या इस शॉर्ट कवरिंग के अंदर में या क्या इस रैली के अंदर में एफआईआई ने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। सो एफआईआई की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो एफआईआई ने सिर्फ और सिर्फ 2.34% लॉन्ग को बढ़ाया हुआ है। अगर डेटा देखा जाए तो डेटा के अंदर में क्लियर कट इंडिकेशन है कि लॉन्ग्स जो उनके लॉन्ग से उसके थोड़े से कम किए एंड शॉर्ट्स को थोड़ा ज्यादा कम किया हुआ है। यानी लॉन्ग के फ्रंट पे भी ऐसा नहीं है कि इंडेक्स के अंदर में एफआईआई बहुत लॉन्ग करके चल रहे हैं। 61.99 न्यूट्रल है, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इसे नहीं माना जा सकता है। जब तक आप 74 लेट्स से 60 के ऊपर काम करते तो 67 के ऊपर काम करके 74 वगैरह के आसपास में नहीं जाते हैं तब तक वो पॉजिटिव व्यू बन के नहीं आएगा। सेम वे में जब तक आप 53% 55% के नीचे काम करना नहीं चालू करते हैं एफआईआई की लॉन्ग पोजिशन को लेकर कोई नेगेटिव व्यू नहीं आएगा। सो लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से बात करें सो न्यूट्रल है ये पोजीशन एफआईआई की। लेकिन अगर जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने पॉइंट्स गेन किए हैं उसके अंदर में पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है। एफआईआई सिर्फ और सिर्फ 2.34% बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, और जबकि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छे पॉइंट्स गेन होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये बाय किसने किया ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एफआईआई का पार्टिसिपेशन लॉन्ग साइड में नहीं है। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 445 करोड़ की मामूली खरीदारी होते हुए नजर आई है, बट स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 278 करोड़ की बिकवाली करके जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं स्टॉक फ्यूचर अगर आप देखें तो इसके एक दिन पहले 635 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली हुई थी, कल के दिन में 278 करोड़ की बिकवाली हुई है। एंड जस्ट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से सीरीज की शुरुआत हुई है, स्टार्ट में ही स्टॉक फ्यूचर को बेच के जाना एक सही इंडिकेशन नहीं है। सो मंडे ट्यूजडे का एक बार डेटा देखना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो मार्केट के अंदर में फॉल आ सकता है, क्योंकि आपके स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं उन स्टॉक्स में काम होना चालू हो गया, बिकवाली चालू हो गई, तो इंडेक्स भी गिरते हुए नजर आ सकता है। 445 करोड़ की मामूली खरीदारी है, इसे भी कुछ पॉजिटिव डेटा के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके एक दिन का पहला ही डेटा देखिए काफी अच्छी खासी यहाँ पे आपको बिकवाली देखने को मिली हुई थी। सो ये क्या हो सकता है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में जो लॉन्ग पोजीशंस बनाए हुए थे या लेट्स से जो शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए थे उसे कवर करने के लिए बाय किया होगा। सो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो एक्सपायरी था एक्सपायरी के मूड माहौल के हिसाब से नंबर देखने को मिल रहा है, न्यूट्रल व्यू यहां से भी बनता है। अगर मैं कैश सेगमेंट की बात करूं तो कैश सेगमेंट के अंदर में एफआईआई ने 149 करोड़ की खरीदारी की हुई है, और जबकि डीआईआई अपने पुराने ट्रेंड में लौटता हुआ नजर आ रहा है 297 करोड़ की बिकवाली करता हुआ। ओवरऑल अगर कैश सेगमेंट की बात करें तो कैश सेगमेंट के अंदर में लगभग 150 करोड़ रुपए कम ही हुए हैं, एडिशन नहीं हुआ है, फिर भी मार्केट 150 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। सो एफआईआई डीआईआई की बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है, और ये भी एक न्यूट्रल व्यू ही आ रहा है। सो फर्स्ट अप्रैल के दिन में जितने भी इंडिकेशन आ रहे हैं मोस्टली सारे इंडिकेशन न्यूट्रल की तरफ आ रहे हैं, कोई भी इंडिकेशन नेगेटिव की तरफ नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे लास्ट जब मैंने वीडियो अपडेट किया था कि क्यों आप इतना बायस्ड क्यों है नेगेटिव, एफआईआई के डेटा तो बहुत नेगेटिव नजर आ रहे हैं एक दिन पहले 31 अप्रैल वाले वीडियो में। लेकिन अगर नया डेटा नेगेटिव है तो 1 अप्रैल को आप खुद इंडिकेशन देख लीजिए, हम 150 पॉइंट अप गए हुए हैं। एफआईआई
जो काम करता है वो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के अंदर में काम करता है। अगर वो 200-300 करोड़ की बात करें तो डेफिनेटली उससे कोई व्यू निकालना नहीं चाहिए। हम नहीं काम कर रहे हैं, FII काम कर रहा है, यहाँ पे करोड़ों की बात होती है। तो जब तक वो बड़ा फिगर नहीं देखने को मिले, व्यू निगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी 1.16 पे काम कर रहा है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल लेवल पे है। यहां से ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। फिलहाल जो रेंज देखिए, रेंज 1.32-1.40 के आसपास में पिछले 10 दिनों के आसपास गए थे, एंड देन 1. नीचे की तरफ 1. के आसपास यानी 0.97 के आसपास काम करते हुए नजर आए थे। सो इसी रेंज के बीच में काम हो सकता है, रेंज के फिलहाल बीच में है। और जिस तरह का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, न्यूट्रल व्यू है, आइदर साइड मूवमेंट पॉसिबल बनता है। सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन पुट कॉल रेशियो को देखा जाए तो उसके दम पे ये बोला जा सकता है कि अभी भी निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। 1.16 कंफर्टेबल जोन। बात कर लेते हैं हमारे पोजीशंस के बारे में। तो 31 मार्च के दिन में हमने पोजीशंस बनाई थी, 1 अप्रैल को कोई पोजीशन नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि FII का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड है कि गुड फ्राइडे के बाद में चालू हो। तो इसके वजह से जो 31 मार्च को पोजीशन बनाई थी वो सारे पोजीशंस खाली किए हमने यहाँ पे। सो ओवरऑल 2-3 पोजीशंस थे जहाँ पे हमने, दो पोजीशंस थे जो पोजिशनल व्यू लेके साथ में हम लोग गए हुए थे। सो वहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के अंदर में 33,300 का कॉल ऑप्शन था, वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, एंड देन निफ्टी के अंदर में 14,750 का कॉल ऑप्शन था, वहाँ पे हमने प्रॉफिट किया हुआ है। सो ओवरऑल ये फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हमने 50,000 रुपए से शुरुआत की हुई थी कॉल बाइंग के अंदर में, काफी उठापटक या काफी अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, लेकिन ओवरऑल वो 50,000 को 6,00,000 रुपए के ऊपर में कन्वर्जन करने में हम लोग पॉसिबल हुआ। 74.31% के आसपास का सक्सेस रेशियो देखने को मिला हुआ है। एंड अगर आप स्टार्टिंग से प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी इसके आसपास में होगा। और अगर आप प्लैटिनम मेंबर हैं और आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या आपके व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मैसेज भेज सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि ये ट्रेड आपके मोबाइल पे रियल टाइम में लाइव मार्केट के ऊपर में पहुँचने में मेरी टीम आपकी मदद कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का अगर व्यू देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है अराउंड 14,873 के आसपास में क्लोजिंग दी हुई है। अच्छी खासी रैली देखने को मिली हमें 14,700 के लेवल से। सो 14,700 फिलहाल के टाइम पे पिछले 2 दिनों से एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। सो एनी डीप टुवर्ड्स इट, 14,700 के आसपास का अगर कोई डीप देखने को मिलता है तो एक बार बाय करना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए उस लेवल के आसपास में। और अगर 14,700 के आसपास का रिस्क उठा रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस 14,650 के आसपास में रख लीजिए। अगर 650 तोड़ता है तो एक बार चांसेस है मार्केट नीचे जाए। थोड़ा सपोर्ट है 14,618 के आसपास में, लेकिन ये जो गैप है 14,618 से 14,566, यहाँ पे मार्केट थोड़ा अलग ढंग से रिएक्ट कर सकता है। रिएक्शन इन द सेंस, अगर 14,618 टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट 14,566, और वो टूटा तो 14,500 टूटते हुए भी नजर आ सकता है। क्या उस लेबल के आसपास जा सकते हैं, उसमें डाउट है अभी, लेकिन सिर्फ लेबल एज ए लेबल्स में आपके सामने रख रहा हूँ इन चीज़ों को। सो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो 14,700 के आसपास में बाइंग करने की कोशिश करिए, और अगर 14,700 के आसपास में बाय करते हैं तो आपका टारगेट जो बनेगा वो 14,773 के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों के बारे में हमने बात कर लिया हुआ है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपकी पोजीशन 14,781 से ही बननी शुरू हो जानी चाहिए, या मैं ऐसा बोलूंगा कि इसे अगर आपको बाय करना है तो पार्ट में बाय करिए। 14,781 के आसपास बाय करिए, 14,700 के आसपास मिले तो वहां पे बाय करिए। टारगेट आपका 14,873-14,900 के आसपास का बनता है। निफ्टी जहां पे काम कर रहा है, अगर इसके ऊपर काम करना शुरू करता है तो एक ब्रेकआउट के चांसेस बनते हैं। फिलहाल फ्राइडे को छुट्टी थी और ग्लोबल मार्केट ने अच्छा काम किया हुआ है, इसके चलते हुए मार्केट आपको अप मूव देके यानी गैप अप ओपनिंग देने के पूरे चांसेस बनते हैं मार्केट के अंदर में, और वहां से आपकी ओपनिंग होती हुई नजर आ सकती है। सो इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग हो तो क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ऊपर की तरफ हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो 14,951-15,046 के आसपास में है। सो मार्केट जो ओपन होगा, हो सकता है मार्केट आपको 14,900 के आसपास की ओपनिंग करता हुआ नजर आए। अगर 14,900 के आसपास की ओपनिंग करता हुआ नजर आए तो वेट करना है, मार्केट में जंप नहीं करेंगे। अगर 14,951 के आसपास में ओपनिंग करे सो चांसेस बनते हैं कि आप एक बार 15,000 के आसपास जाएं और वहां से रिवर्सल लें। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट 15,030 के से लेके 15,050 के बीच का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अगर हो और मार्केट अगर
संभलता हुआ नजर आए सो आप यहां से 100 पॉइंट और ऊपर जा सकते हैं। तो शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा बच के रहना है, 15,100 के आसपास जितना शॉर्ट करेंगे उतनी अच्छी बात है। अगर 14,950 नहीं संभला, नहीं टिका, तो आप नीचे आएंगे वहां से लगभग 75 पॉइंट्स के आसपास आ सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 14,950 टूटते ही एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट आपके लिए 14,873 का रहेगा और टारगेट 14,781 का बनेगा। स्टॉप लॉस आपके लिए जो बनेगा वो स्टॉप लॉस होगा 14,950 के आसपास ने अपने किया हुआ है, सो 15,030 से लेके 15,050 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा लगभग 100 पॉइंट का। सो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए निफ्टी के अंदर में पोजीशन बनाया जा सकता है। अगर मैं इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करूं तो इंट्राडे के अंदर में लगभग हैमर बनता हुआ नजर आया है, लेकिन ये हैमर जहां पे क्लोज किया है वो आपको एक बार रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सो क्यों बोल रहा हूं मैं इसके ऊपर में ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि ये लेवल का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसके आसपास में हमने बहुत बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया हुआ है, सो इसके ऊपर काम करेगा, ब्रेकआउट होगा, सस्टेन ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ 15,146-15,119 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है, चांसेस बनते हैं उसके। इंडिकेशन निगेटिव है, इतने खास इंडिकेशन तो है नहीं, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है जहां पे मार्केट ओपन होगा वहां से। और अगर ऐसा होता हुआ नजर आए, क्योंकि FIA का डेटा भी हमने देखा, FIA ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया बाइंग के अंदर में, तो जहां पे ओपन होगा वहां से एक बार नीचे आते हुए मार्केट दिख सकता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स वेट करिए, अगर मार्केट नहीं टिका तो शॉर्ट करिए, मार्केट के अंदर में आपको दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नजर आ सकती है। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के अंदर में अगर आप देखेंगे क्लोजिंग 14,850 के आसपास, 14,900 हम एट द मनी ले लेते हैं, एंड 14,900 जब एट द मनी लेंगे तो आपको पोजीशन वहां पे, माफ करिए, 1 अप्रैल का आपको देखने को मिल रहा है। यस, ये क्योंकि थर्सडे के दिन एक्सपायरी हो गई थी तो 1 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी दिखा रहा है। 8 अप्रैल की बात कर लेते हैं, 14,900 पे एट द मनी होगा। और पोजीशन देखिए कैसी बनी हुई है, 14,459 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें, 25,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 15,000 पे, जो कि अभी भी एक एग्रेसिव आप बोल सकते हैं एक पोजीशन बनी हुई है यहाँ पे। 15,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसके ऊपर अगर काम करना चालू करता है तो आप थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 14,200 के जो लॉट्स बने हुए 14,800-14,700 पे, वहाँ के मुकाबले वहाँ पे थोड़ी सी जो राइटिंग हुई है वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आते हुए नजर आ सकता है। उसके ऊपर जाते हैं तो 14,200 के आसपास में आपको रेजिस्टेंस देखने को क्लियर कट मिलेगा। अगर पुट साइड के बारे में बात करें तो पुट साइड के अंदर में 14,700 पे अच्छी राइटिंग देखने को मिली हुई है, इवन 14,800 पे भी बढ़िया राइटिंग देखने को मिली है, बट इस राइटिंग के चलते हुए मार्केट ऊपर गया हुआ है। सो ये जो पोजीशंस हैं 22,000-16,144 लॉट के जो ओपन इंटरेस्ट है, इन पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, अभी भी 14,700 आपके लिए बढ़िया सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगा नीचे की तरफ। सो रेंज जो समझ में आ रही है 14,700 से लेके 15,200 के बीच की आ रही है। क्या मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूं? नहीं, इंट्राडे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं, 14,700 से 15,200 वीकली की बात कर रहा हूं। जो इंट्राडे रेंज यानी छोटी रेंज के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है 15,050 से लेके 14,800 के बीच में काम कल के दिन में हो जाना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।